हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। कंटिन्यू करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशन को, जिसमें हम देखेंगे 1 से 15 मार्च की कंप्लीट करंट अफेयर जो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स व डेली जानकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा मंथ के एंड में मंथली सेशन भी रेगुलर अपलोड होता है, तो उसे भी आप जरूर से देखें, क्योंकि दोनों ही सेशन बिल्कुल अलग हैं। सो बोथ द सेशंस आर मोस्ट रिकमेंडेड इफ़ यू नेवर वॉन्ट टू मिस एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम। और साथ ही हमारे ये सेशन जो हैं ये बाइलिंगुअल होते हैं दोस्तों, ताकि किसी भी लैंग्वेज प्रेफरेंस एस्पिरेंट को प्रॉब्लम ना हो। मोर ओवर, इफ़ यू हैव एनी सजेशन और डाउट, डू नॉट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डेफिनेटली लुक इन टू इट। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण सेशन को और सीखते हैं काफी कुछ नया इस वीडियो से। बिफोर दिस, हमारे साथ रेगुलर बने रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर लव्ड वंस सो दैट मोर पीपल कैन जॉइन अस। वीडियो को अंत तक देखें एंड यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करना ना भूलें। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज गाइज, रिसेंटली विच इंडियन मैंस स्किट टीम हैज़ वॉन द मेडल इन शॉर्ट गन वर्ल्ड कप इन इजिप्ट। दोस्तों यहाँ पर गाइज, भारतीय पुरुष स्किट टीम ने मिस्र के काहिरा में शॉर्ट गन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ऑप्शन टू आप देखेंगे यहाँ पे, ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जो है यहाँ पे जीता गया है दोस्तों, तो ऑप्शन टू आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, और इमेज में भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे तो आप देख पाएंगे मिस्र की राजधानी काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ के शॉटगन विश्व कप में भारत में दोस्तों जो भारत की टीम है, मेराज अहमद खान, अंगद वीर सिंह, इसके अलावा गुरजोत खंगुरा, इस टीम ने दोस्तों यहां पे पुरुषों की स्किट टीम में कांस्य पदक जो है जीता है। तो ये था इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान में रखें, जितने भी क्वेश्चन होंगे मोस्ट सेलेक्टिव हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, रिसेंटली इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड अमेजोनिया 1 सैटेलाइट अलॉन्ग विद 18 अदर पैसेंजर सैटेलाइट्स, विच कंट्री बिलोंग्स टू अमेजोनिया सैटेलाइट। तो यहाँ पे गाइज, इसरो ने 18 अन्य यात्री उपग्रहों के साथ अमेजोनिया 1 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो जो अमेजोनिया 1 उपग्रह दोस्तों ये किस देश का है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ब्राज़ील, विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 आप यहाँ पे देखेंगे जो बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, एंड इसके बारे में अगर हम बात करें तो ब्राज़ील, अमेरिका व भारत के 19 उपग्रहों से भरा एक भारत का दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51, नाम जरूर ध्यान में रखेंगे, PSLV C-51 जिसकी फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51, यहाँ पर जो रॉकेट है वो श्रीहरिकोटा के रॉकेट पोर्ट से लॉन्च किया गया है। यहाँ पे जो अमेजोनिया 1 है दोस्तों वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान जो INPE है उसका ऑप्टिकल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, तो ये आप जरूर इसमें ध्यान में देखेंगे, बाकी आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख पाएंगे। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा यहाँ पे, रिसेंटली हु हैज़ रिटन ए बुक टाइटल्ड एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। यहाँ पे गाइज, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो बुक है दोस्तों ये लिखी गई है ऑप्शन टू आप यहाँ पे देखेंगे, अनिंद दत्ता के द्वारा, यहाँ पे ऑप्शन टू जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा, ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो इमेज में भी आप कवर पेज यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा यहाँ पे, रिसेंटली हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन यूक्रेन रेसलिंग। यहाँ पे यूक्रेन कुश्ती में दोस्तों किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो सही आंसर आपका होगा दोस्तों विनेश फोगाट ने, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ध्यान में रखें, इमेज में आप नोट करेंगे। एंड अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होगा, रिसेंटली हु हैज़ रिसीव्ड द ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। तो वैश्विक ऊर्जा व पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किसने किया है यहाँ पे, तो सही आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मोदी विल बी द करेक्ट आंसर, तो ध्यान में रखें ऑप्शन 4 यहाँ पे सही आंसर रहेगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, रिसेंटली हु हैज़ टेकन चार्ज एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो यहाँ पे PIB दोस्तों यहाँ पे प्रेस सूचना ब्यूरो के जो प्रधान महानिदेशक अभी हाल ही में बने हैं उनका नाम क्या है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा जयदीप भटनागर विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आप यहाँ पे देखेंगे जो बिल्कुल सही है, एंड यहाँ पे इमेज में भी देख पाएंगे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, 7th है, रिसेंटली हु हैज़ इनॉग्रेटेड ग्लोबल बायो इंडिया 2021। यहाँ पे ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया है, सही आंसर यहाँ पे होगा आपका डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। एंड यहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं तो आप देख पाएंगे, केंद्रीय विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं दोस्तों हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने नई दिल्ली में दोस्तों यहाँ पर जो है इसका
उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य जरूर ध्यान में रखेंगे तो इसका उद्देश्य है दोस्तों राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ताकत और अवसरों का प्रदर्शन करना है। साथ में अगर हम इसकी बात करें ग्लोबल बायो इंडिया 2021 तो आप इसके बारे में देखेंगे और इसका जो थीम है वो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थीम क्या रखी गई है दोस्तों, बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमी जो है इस बार की थीम रखी गई है। तो ये इसके बारे में है एंड उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो एक लाइक जरूर कर दें, अगर आपको यूजफुल लगे हेल्पफुल लगे तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा यहाँ पे, 8th क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ रिटन ए बुक कॉल्ड बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। यहाँ पे बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट जो बुक है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है राम माधव, ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, तो नोट कर सकते हैं एंड यहाँ पे कवर पेज भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा यहाँ पे, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड 1000 मेगावाट नेवली जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों, तो किस स्टेट में 1000 मेगावाट की नेवली थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, कहां पर किया गया है दोस्तों, ये किया गया है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, तो ध्यान में रखें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। एंड तमिलनाडु की बात आई है तो यहाँ पे देखते हैं इसकी बेसिक डिटेल क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे तो कैपिटल चेन्नई आप सभी को पता है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 39, गवर्नर हैं बी पुरोहित एंड सीएम हैं ई के पलनीस्वामी, लोकसभा राज्यसभा सीटें जरूर में ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो 39 एंड 18 है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ AIBA। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है यहाँ पे, मैरी कॉम को, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा, मैरी कॉम को यहाँ पे दोस्तों AIBA जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन उसका अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्सिंग चैंपियन है MC मैरी कॉम जो है उनको अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा और इमेज में भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़े अगर अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होगा, रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द स्कीम नेम्ड होम्स चैलिकी। तो यहाँ पे घरों की पहचान चैलिकी नामक से जो एक योजना शुरू की गई है, तो भारतीय राज्य किस भारतीय राज्य के द्वारा ये शुरू की गई है दोस्तों, यहाँ पे ये की गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 जो है बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा, तो घरों की पहचान चैलिकी नामक से योजना है जो उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई है। एंड यहाँ पे उत्तराखंड के जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देहरादून कैपिटल है दोस्तों, समर कैपिटल बनाई गई है वो है गैरसैन, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 13 एंड गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ पे गाइज PS रावत जो हैं वो CM हैं, तो ध्यान में रखें इसके बारे में हम अच्छे से बाद में डिटेल करेंगे एक और क्वेश्चन में। यहाँ पे जो CM है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और जो नए CM बने हैं उनका भी अगर हम बात करें तो TS रावत ही उनका नाम बनता है, तो ये इसलिए अपडेटेड है ध्यान में रखेंगे। एंड लोकसभा की सीटें जो हैं 5 हैं, राज्यसभा की सीटें जो हैं वो 3 हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, रिसेंटली हु हैज़ वोन द युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट निम्न में से किसने जीता है, तो किसके द्वारा जीता गया है दोस्तों, ये जीता है यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में मालविका बंसोड़ और वरुण कपूर, ऑप्शन नंबर 2 में तो दोनों के द्वारा जीता है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल आपका करेक्टली मैच करेगा, इन दोनों ने ही जो है इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, रिसेंटली हु हैज़ बीन चूजन एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त किए गए हैं गाइस, हाल ही में यहाँ पे किए गए हैं मार्टम वेकेंट राव, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा। एंड इंपॉर्टेंट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं मार्टम वेकेंट राव, एंड यहाँ पे इमेज में नोट देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, रिसेंटली इन विच स्टेट उदयपुर साइंस सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो यहाँ पे उदयपुर जो विज्ञान केंद्र है दोस्तों उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ये किया गया है ऑप्शन नंबर आप 3 देखेंगे त्रिपुरा में, तो एक उदयपुर जो है दोस्तों वो राजस्थान में है, इसलिए इसका क्वेश्चन का गलत होने के चांस हो सकते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे त्रिपुरा में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हुआ है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखेंगे, कन्फ्यूजन के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ध्यान में रखें। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इमेज में आप देख पाएंगे अगला अगर क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों तो 15 क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन एट द टॉप इन द रिसेंट म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। तो यहाँ पे गाइज नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 इंदौर जो शहर है दोस्तों, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा, इंदौर जो शहर है ये नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, हु हैज़ बीन एट द टॉप इन द रिसेंटली रिलीज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। तो यहाँ पे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में दोस्तों कौन टॉप पर रहा है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सही आंसर आपका रहेगा बेंगलुरु विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही मैच करेगा, तो ध्यान में रखें। एंड अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज़ वन द 2021
21 जो ISL लीग हुई है, तो विनर शील्ड इसका कौन विजेता रहा है? यहाँ पे जो दोस्तों 2020-21 ISL लीग विनर शील्ड को जीत लिया है, किस टीम ने जीता है? सही आंसर की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे आप, मुंबई सिटी जो है बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्टली मैच करेगा। एंड यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हैं टीम, तो मुंबई सिटी ने यहाँ पे मैच को जीता है। एंड यहाँ पे हम देखें इसके बारे में तो नोट करेंगे कि फुटबॉल क्लब है दोस्तों मुंबई सिटी, इन्होंने FC अंतिम लीग में दोस्तों मोहन बागान को हरा कर ये शील्ड को जीता है। तो मोहन बागान भी जो है काफ़ी फेमस है और इसे आप जरूर से ध्यान में रखेंगे, जो मोहन बागान है उसको हरा कर यहाँ पे मुंबई सिटी के द्वारा जो है अंतिम इस लीग को जीत लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे है कि हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 में कब तक भारत में दोस्तों संपूर्ण रेल नेटवर्क को पूरी तरह से विद्युतीकृत करने की बात कही है? तो कब तक की है दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो है रेल मंत्री पीयूष गोयल, वो उनको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कब तक के लिए बोला है गाइज, यहाँ पे बोला है 2023 तक। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा। ध्यान में रखेंगे भारत में संपूर्ण रेल नेटवर्क जो है उसको पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए यहाँ पे 2023 तक बोला है पीयूष गोयल के द्वारा। अगला अगर हम बात करें, क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द थर्ड क्रिकेटर टू हिट 6 sixes इन एन आर ऑफ, दो अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में दोस्तों यहाँ पे एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं, तो कौन बने हैं? अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 3 रहेगा, किरण पोलार्ड ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार किसी भी एग्जाम के लिए। और यहाँ पे हम यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर इनके बारे में बात करें तो नोट करेंगे कि वेस्ट इंडीज़ ODI एंड T20 के कप्तान हैं दोस्तों ये, तो वेस्ट इंडीज़ के हैं प्लेयर किरण पोलार्ड, जिन्होंने एक ओवर में यहाँ पे 6 छक्के लगाने वाले जो हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हर्षल गिब्स और युवराज के बाद तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, इनसे पहले जो हैं हर्षल गिब्स और युवराज ने यहाँ पे जो है 6 छक्के लगा चुके हैं एक ओवर में, एंड थर्ड जो हैं ये बने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन एट द टॉप इन द रिसेंटली रिलीज, यहाँ पे जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है दोस्तों 2021, यहाँ पर रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है? तो अगर हम बात करें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की, तो यहाँ पे MIT जो है दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है, और MIT भी ध्यान में रखें कहाँ पर है, US में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गेम्स इंडिया विंटर नेशनल गेम्स 2021 विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन एट द टॉप, तो खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स 2021 में कौन भारतीय राज्य जो है शिखर पर रहा है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आप देखेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे सही मैच करेगा। एंड इमेज में भी आप देख पाएंगे इसके बारे में यहाँ पे हम बात करें। इसके अलावा दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन वाइज अगर हम देखें तो इसके अलावा हाल ही में रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन नामक एक रेडियो स्टेशन का जो उद्घाटन हुआ है वो भी जम्मू कश्मीर में ही किया गया है, तो ये आप जरूर से ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात आई है तो बेसिक डिटेल्स आप ध्यान में रखें, वो है कैपिटल है श्रीनगर, सभी को पता है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 28 है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है हाल ही में वो है मनोज सिन्हा, और चीफ जो जस्टिस है यहाँ पे वो है पंकज मित्तल। यहाँ पे प्रमुख डैम ध्यान में रखेंगे दोस्तों धुलस्ती सलाल और जो बगलिहार डैम है ये तीनों हैं चेनाब नदी पर, और उरी डैम जो है वो है झेलम नदी पर, तो ये भी आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होगा रिसेंटली वेयर इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी टू बी बिल्ड, तो अगर हम यहाँ पे बात करें हाल ही में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य दोस्तों कहाँ बनने जा रहा है? तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आप ऑस्ट्रेलिया में जो है ये बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही मैच करेगा। प्लेटिपस दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से जीव है, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो नोट करेंगे ऑस्ट्रेलियाई जो संरक्षणवादियों हैं दोस्तों उन्होंने प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास का बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे उसके उद्देश्य से दुनिया के जो पहले इसका अभयारण्य का निर्माण करने के लिए यहाँ पे योजनाओं की घोषणा की है, तो इसके बारे में था। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन होगा यहाँ पे रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, तो यहाँ पे किस राज्य मुख्यमंत्री के द्वारा दोस्तों यहाँ पर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का शुभारंभ किया गया है? यहाँ पे आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा राज्य के द्वारा ये किया गया है, तो ऑप्शन 1 जो है करेक्टली मैच करेगा। बात आई हरियाणा की तो यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं, कैपिटल चंडीगढ़ है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 22 है, गवर्नर हैं एस नारायण आर्य एंड मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ के CM है, लोकसभा राज्यसभा सीटें कितनी है दोस्तों 10 और 5 हैं ध्यान में रखें। एंड नेक्स्ट बढ़े अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द बिहारी अवार्ड फॉर द ईयर 2020, तो यहाँ पे गाइज 2020 के जो बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो मोहन कृष्ण बोहरा ऑप्शन नंबर 3 आप देखेंगे जो बिल्कुल आपको यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा, तो ध्यान में रखें। एंड इमेज में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं किसके लिए किया गया है दोस्तों, तो तस्लिमा संघर्ष और साहित्य के लिए जो है इनको यहाँ पे
इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोट कर सकते हैं, अगर हम इसके बारे में एक्स्ट्रा बात करेंगे तो नोट कर लें कि मोहन कृष्ण बोहरा को यहाँ पे जो है दोस्तों साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और जो वर्ष 2020 का 30वां जो बिहारी पुरस्कार है दोस्तों वो मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी जो आलोचना यहाँ पे जो इन्होंने लिखी है हिंदी में पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य को दिया है। तो ये इसके बारे में है एंड ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा यहाँ पे, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड टू मोबाइल एप्स नेम्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मो छटवा और ई कालिका। तो यहाँ पे दोस्तों जो मो छटवा और ई कालिका नामक दो मोबाइल ऐप लॉन्च की गई हैं ये किस राज्य के द्वारा की गई हैं, ये की गई हैं उड़ीसा राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा, ध्यान में रखेंगे इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे ये उड़ीसा की बात आई है तो कैपिटल है भुवनेश्वर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 30, गवर्नर हैं गणेश लाल, सीएम है नवीन पटनायक, और यहाँ पे अगर हम बात करें लोकसभा राज्यसभा सीटें जरूर ध्यान में रखेंगे 21 और 10 हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स्ट्रा के लिए तो ध्यान में रखें कि इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा में ही इस बार जो 69th है दोस्तों वो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का भी उद्घाटन किया गया है। और इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान में रखें कि मुंबई जो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं दोस्तों नवीन पटनायक द्वारा पहले विश्व कौशल केंद्र का भी शुभारंभ उड़ीसा में ही किया गया है। एंड इसी के अलावा उड़ीसा सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों के लिए एक मिशन शक्ति विभाग की शुरुआत की है। तो यहाँ पे उड़ीसा से जुड़ी जितनी भी करंट अफेयर है दोस्तों लगभग हमने उन सभी पॉइंट्स को नोट कर लिया है। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड आप यहाँ से इजिली नोट कर सकते हैं। तो ये सभी जो हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड वीडियो अगर जरा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो ये की है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा राज्य के द्वारा। तो हरियाणा राज्य ने दोस्तों यहाँ पे निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% जो है आरक्षण देने की घोषणा की है। और हरियाणा के बारे में अभी हमने देखा, कैपिटल चंडीगढ़ है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 22 हैं, नारायण आर्य हैं, गवर्नर सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, लोकसभा राज्यसभा सीटें हैं 10 और 5। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होगा, हाल ही में किस देश ने पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर को नियुक्त किया है। तो पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर बने हैं दोस्तों, क्या नाम है उनका, तो यहाँ पे सही आंसर होगा बांग्लादेश के हैं दोस्तों वो। एंड ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा, इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे इमेज में भी देख पाएंगे इनके बारे में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नाम ध्यान में रखेंगे, तशुआ बतौर जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यानी 8 मार्च को दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है 8 मार्च को, न्यूज़ प्रेजेंटेटर के रूप में यहाँ पे इन्होंने एक यहाँ पे जो है सेलेक्ट किए गए हैं। और यहाँ पे कहाँ के हैं दोस्तों, ये बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है ढाका, और करेंसी क्या चलती है वहाँ पे बांग्लादेशी टका। कहाँ पर है बांग्लादेश, हमारे इंडिया के जो है जस्ट ईस्ट में लगता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बांग्लादेश। अगर हम आगे बढ़ें तो इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इसके अलावा भारत में भी भारत का पहला ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी डेस्क है दोस्तों वो तेलंगाना में खोला गया है। तो ये भी आप जरूर नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होगा 28 का है, निम्न में से किस संस्थान ने फूड वेस्ट इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की है। तो यहाँ पे फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 जारी की है दोस्तों, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये की गई है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आप देखेंगे UNEP के द्वारा। तो ये जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कितना जो है फूड परसेंट जो है वो वेस्ट होता है एंड देख पाएंगे। आगे बढ़े तो यहाँ पे इनके बारे में ही हम बात करते हैं, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में दोस्तों भारतीय परिवार हर साल प्रति व्यक्ति 50 किलो खाना जो है लगभग बर्बाद करता है। पाकिस्तान में यह आंकड़ा हमसे भी ज़्यादा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, खाना जितना यूज़ हो उतना ही लें एंड वेस्ट ना करें। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें UNEP की बात आई है तो फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखेंगे, द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं दोस्तों यहाँ पे इंगर एंडरसन, और जो यहाँ की स्थापना हुई है वो 1972 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है केन्या के नैरोबी में। तो ये है UNEP के बारे में, ये भी ज़रूर आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होगा गाइस, भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल जो है कहाँ पर खोला गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियाज़ लार्जेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल की, तो ये खोला गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 4 आप यहाँ पे देखेंगे जो बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा, तो ध्यान में रखें। इसके अलावा गाइज लखनऊ की बात आई है ऑप्शंस में, तो यहाँ पे लखनऊ से रिलेटेड जो करंट अफेयर की बात करें तो ध्यान में रखेंगे कि 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव या फिर जिसे जैगरी महोत्सव के नाम से जानते हैं उसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। तो ये लखनऊ के बारे में। एंड आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होगा, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र हाल ही में कहाँ पर खोला गया है। तो वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट मेडिसिन सेंटर रिसेंटली ओपन्ड गाइज, कहाँ पर किया गया है। इसका जो आपका सही आंसर है वो है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, तो इंपॉर्टेंट है। एंड अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग PV सिंधु हैज़ वन द मेडल एट द BWF स्विस
ओपन। तो पीवी संधु जो हैं दोस्तों यहाँ पे, उन्होंने BWF स्विस ओपन में कौन सा पदक जीता है ये आपको यहाँ पे बताना है। सही आंसर होगा आपका यहाँ पे रजत पदक, सिल्वर मेडल जो है इन्होंने यहाँ पे जीता है। ऑप्शन नंबर टू आपका बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पीवी सिंधु जिन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल जो है जीता है। अगला अगर हम बात करें क्वेश्चन होगा गाइज, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज CPCB डाटा विच स्टेट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट पोल्यूटेड। तो यहाँ पे जो CPCB के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों कौन राज्य सबसे ज़्यादा दूषित माना गया है, तो यहाँ पे सही आंसर जो होना चाहिए आपका वो होगा ऑप्शन नंबर फोर, उड़ीसा दोस्तों। तो ऑप्शन फोर जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा, इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे अगर हम बात करें दोस्तों CPCB के बारे में यहाँ पे, तो फुल फॉर्म है द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना हुई थी 1974 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जो एग्जीक्यूटिव है दोस्तों वो और चेयरमैन जो है यहाँ पे उनका नाम है शिवदास मीना, तो ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन मैथ्यू पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में, यहाँ पे दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है, किसके द्वारा जीता गया है। सही आंसर आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर टू, बजरंग पुनिया दोस्तों। तो यहाँ पे बजरंग पुनिया के द्वारा दोस्तों रोम में मैथ्यू पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है, और यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं बजरंग पुनिया है। एंड अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होगा रिसेंटली इंडियन रेलवे हैज़ लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड रेल मेडेड हेल्पलाइन नंबर, तो नंबर क्या है दोस्तों वो आपको बताना है। तो भारतीय रेलवे ने यहाँ पे एकीकृत रेल मेड हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो क्या नंबर है गाइज, वो नंबर होगा आपका यहाँ पे 139। ऑप्शन नंबर वन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा, 139 जो नंबर होगा उससे आपका सभी काम बन जाएंगे रेलवे से रिलेटेड। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसके लिए 139 की जो क्या क्या इसका यूजेज हो सकता है, तो आप अच्छे से यहाँ पे रीड कर सकते हैं गाइज। तो काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल नंबर रहेगा ये, तो काफ़ी बेनिफिशियल है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होगा 35। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट हैज़ रिजाइंड रिसेंटली, तो यहाँ पे भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, किस राज्य के दोस्तों, हमने ऊपर भी देखा था, मैंने आपको बताया था, तो उत्तराखंड के बारे में ऑप्शन नंबर थ्री आपका यहाँ पे सही रहेगा। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं गाइज, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बेबी रानी मौर्य जो राज्यपाल हैं वहाँ के, उनको इस्तीफा पत्र दे दिया है। इनकी जगह जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं दोस्तों उनका नाम भी तीर्थ सिंह रावत है, तो TS रावत ही है, एंड आपको याद करने में आसानी होगी। इसके बारे में अच्छे से देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और ये हैं बेबी रानी मौर्य राज्यपाल, और यहाँ के अगर हम बात करें तो तीर्थ सिंह रावत जो अब होंगे उत्तराखंड के नए CM। बात आई है उत्तराखंड के, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कैपिटल देहरादून है, समर कैपिटल गैरसैन बनाई गई है, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 13, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और जैसे कि हमने देखा CM जो हैं वो TS रावत हैं। लोकसभा की सीटें 5 हैं और राज्यसभा की सीटें 3 है, यहाँ पे TS रावत का मतलब अब तीर्थ सिंह रावत रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होगा इंपॉर्टेंट है, लूना 25 इज़ द फर्स्ट मॉडर्न ल्यूनर मिशन ऑफ विच कंट्री, तो यहाँ पे लूना जो 25 है दोस्तों ये किस देश का पहला आधुनिक चंद्र मिशन है ये यहाँ पे बताना है। सही आंसर की यहाँ पे बात करेंगे तो रूस का ऑप्शन नंबर टू जो है आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रिसेंटली अनदर एडिशन ऑफ डस्टली कप जो प्रैक्टिस है दोस्तों टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो यहाँ पे जो डस्टलीक अभ्यास है उसका दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो किस देश के बीच हुआ है ये हुआ है उज़्बेकिस्तान और भारत के बीच, तो ऑप्शन नंबर टू आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी डस्टलीक अभ्यास। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो नोट करेंगे इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में फ्रांस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस देश के द्वारा किया गया है, फ्रांस देश के द्वारा। और उज़्बेकिस्तान की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कैपिटल है ताशकंद, और जहाँ यहाँ पे प्रेसिडेंट भी आप नोट कर पाएंगे, और यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं डस्टलीक जो टू है दोस्तों वो इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चीव्स, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चीव्स के जो पुरस्कार है वो हाल ही में किसको दिया गया है, तो निम्न में से किसको दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका आंसर थ्री है अमिताभ बच्चन को ये जो है पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ध्यान में रखेंगे। FIAF का जो पुरस्कार मिला है अमिताभ बच्चन को, यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021, यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान रहा है गाइस क्या रहा है, यहाँ पे जो आपका आंसर थर्ड देखेंगे आप 121 नंबर पर जो है इंडिया रहा है, और अगर हम यहाँ पे फर्स्ट की बात करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है सिंगापुर, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा हु हैज़ रिसेंटली बीन सेलेक्टेड एज द इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर ऑफ BBC, यहाँ पे BBC की इंडिया जो इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं उनका क्या नाम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री कोनेरू हम्पी जो एक
चेस प्लेयर हैं, तो ध्यान में रखेंगे। एंड इम्पोर्टेंट है, कोनेरू हम्पी जो है चेस प्लेयर हैं, एंड यहाँ पे इनको जो है बीबीसी की इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर चुना गया है, इमेज में भी आप देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अवार्डेड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऑफ फरवरी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फैब में जो यहाँ पे चुना गया है किसको, तो ऑप्शन नंबर टू देखेंगे, आर अश्विन जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हैं, पूरा नाम है इनका रविचंद्रन अश्विन विन दोस्तों, यहाँ पे जो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फैब रहे हैं, और ये इमेज में भी देख पाएंगे। नेक्स्ट है, वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बी बिल्ट रिसेंटली। तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र हाल ही में कहाँ पर बनाया जाएगा, तो कहाँ पर बनाया जाएगा गाइस, ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर फोर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में जो बेसिक डिटेल है, कैपिटल भोपाल है, सभी को पता है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 52 हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, एंड सीएम हैं जो शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जरूर ध्यान में रखेंगे, 29 एंड 11 हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा यहाँ पे, रिसेंटली प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ अवार्डेड द बैटन ऑफ ऑनर। तो यहाँ पे गाइस, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर जो है उससे सम्मानित किया है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा वो होगा किरण बेदी को, यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री आप देखेंगे जो बिल्कुल आपका करेक्टली मैच करेगा, किरण बेदी को यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है बैटन ऑफ ऑनर दिया गया है, एंड यहाँ पे इमेज में देखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा यहाँ पे, रिसेंटली हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ IOC। IOC के जो नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं दोस्तों, एक बार फिर वो कौन है, उनका नाम है यहाँ पे थॉमस बॉक, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे वन देखेंगे बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा, ऑप्शन वन थॉमस बॉक जो है इनको यहाँ पे IOC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, इमेज में यहाँ पे देख पाएंगे। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो नोट करेंगे कि थॉमस बॉक को जो है दोस्तों यहाँ पे 4 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC इंटरनेशनल ओलंपिक जो है दोस्तों कमेटी, उसका यहाँ पे फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल यूज़ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का प्रयोग निम्न में से कौन देश करने वाला है, तो यहाँ पे कंप्यूटर जो है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होगा, और ये जो बनकर तैयार हो गया है ये है दोस्तों जापान का, एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो फोर देखेंगे बिल्कुल करेक्टली यहाँ पे मैच करेगा, जापान ने यहाँ पे बनाया है दोस्तों। जापान की यहाँ पे बात करेंगे, राजधानी टोक्यो है, मुद्रा है येन, और प्रधानमंत्री हैं जो हाल ही में चुने गए हैं वो हैं योशीहिडे सुगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, नोट करेंगे कि रिकेन एंड फुजित्सु नामक जो जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान है दोस्तों, उन्होंने 6 साल पहले जो है फुगाकू नाम से जो कंप्यूटर बनाया गया है, फुगाकू का जो है विकसित करना शुरू कर दिया था, और यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होगा दोस्तों। इसका उद्देश्य जो है वो अल्ट्रा स्मार्ट सोसाइटी 5.0 है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ये है इसके बारे में पूरा, एंड इंपॉर्टेंट है काफ़ी, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे जरूर से ध्यान में रखें, बाकी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होगा, हाल ही में जेंडर एवं चाइल्ड बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो कौन राज्य है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर थ्री आपका यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा, आंध्र प्रदेश दोस्तों हाल ही में जेंडर एवं चाइल्ड बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश की बात आई है तो कैपिटल अमरावती है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 13, गवर्नर हैं बी हरिश्चंद्रन, सीएम हैं वाई जगनमोहन रेड्डी, लोकसभा और राज्यसभा सीटें जरूर ध्यान में रखेंगे, 25 एंड 11 है। नेक्स्ट बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज बीन अवार्डेड द टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021। तो यहाँ पे गाइज, किस राज्य के राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वीमेन्स ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है, किसको किया गया है दोस्तों, यहाँ पे तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं, ऑप्शन नंबर थ्री जो आप देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, तो तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं गाइज, क्या नाम है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तमिलसाई सौंदर्य राजन, इमेज में आप देख सकते हैं, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अलावा, तो नोट करेंगे कि MP के जो भोपाल में दोस्तों हाल ही में हमने ऑप्शन में देखा, तो यहाँ पे MP के जो भोपाल में है, इस बार 27वां हुनर हाट का जो आयोजन किया गया है वो MP के मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा यहाँ पे, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर। तो भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे कहाँ पर किया गया है, तो यह किया गया है दोस्तों भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर टू जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा, ध्यान में रखें। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने यहाँ पे भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है, और भुवनेश्वर में किया है, कितने, 1342.2 करोड़ के लागत से, तो यह है इसके बारे में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन होगा, रिसेंटली इन विच स्टेट रस्किन डैम एंड
चिलमिल जो डैम है इनॉग्रेटेड, यहाँ पर रस्किन बांध और चिलमिल बांध का जो उद्घाटन हुआ है दोस्तों वो हुआ है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, तो इंपॉर्टेंट है। एंड अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो 50 का क्वेश्चन होगा आपके लिए। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर द ईयर 2021। तो यहाँ पे 2021 के लिए दोस्तों यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के जो बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है गाइज। ऑप्शन नंबर 1 गिरीश चंद्र मुर्मू जो कह गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एंड इमेज में आप इनको देख भी पाएंगे। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ होस्टेड द 13th ब्रिक्स समिट 2021। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी दोस्तों हाल ही में किस देश ने की है, तो ये की है अपने देश भारत ने। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। एंड यहाँ पे हम बात करें इसकी थीम की, तो इस बार की जो थीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम 2021 में ब्रिक्स एट द रेट इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंस जो है इसकी थीम रखी गई है। तो यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में भी आप देख सकते हैं इमेज में, ब्रिक्स जो है दोस्तों ये इन 5 देशों से बना हुआ है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इसकी इजी है, इसकी जो समिट्स होती हैं उनको याद करना, तो इस बार जो है इंडिया ने किया है 2021 में, 2022 में करेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना, एंड 2023 में करेगा साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा गाइज 52, व्हेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो शून्य भेदभाव दिवस जो हर साल मनाया जाता है कब गाइज, तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 देखेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज की बात आई है, तो सारे इंपॉर्टेंट डेज अभी तक के उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें सभी इंपॉर्टेंट डेज के बारे में तो नोट करिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस जो है वो आपका 11 मार्च को, और विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वो आपका यहाँ पे 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इस चीज़ को आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे सभी अच्छे से याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो एक बार आप लिख के देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर वैसे भी तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, बाकी आप यहाँ पे इसको अच्छे से ही रीड भी कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन, कैसा लगा लाइक कमेंट कर जरूर बताएं। इसके अलावा अदर टॉपिक वीडियोज़ भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।